मेरी उस उदास ठंडी शाम में बेवजह की मायूसी थी। देखा तब मैंने 6 साल के एक बच्चे को मुस्कुराते। उसकी मुस्कान में एक आकर्षण था, प्रेरणा थी। खेल रहा था वो मिट्टी में, सामने बनती इमारत थी और छत पर खड़ी थी मैं। सॉरी, हर सुबह आता था वो डाल माँ के हाथों में हाथ। हर सुबह आता था वो डाल माँ के हाथों में हाथ, पेट भूखा मगर आत्मा तृप्त। पेट भूखा मगर आत्मा तृप्त, अटखेलियां करता प्रकृति के साथ। इमारत से आती मजदूर है एक, बच्चे को अपनी चादर दी, नहीं लिया उसने। क्या ठंड ने उसे छुआ नहीं? और यहाँ 2 गर्म कपड़ों में भी कांप रही थी मैं। उन छोटे पतले बांस की छड़ी से बनाया था उसने एक धनुष। खेल रहा था वो अकेला, महफिल से अनजान ही था वो खुश। और यहाँ दोस्तों के साथ भी मेरी शाम थी अकेली और उदास थी मैं। अंधेरा हुआ, माँ आई, कहती है उसे, बेटा चल चले। छुपाया उसने धनुष को अपने रेत के टीले के तले। चल पड़ा वो मुस्कुराता अपनी माँ के पीछे पीछे। चल पड़ा वो मुस्कुराता अपनी माँ के पीछे पीछे, और संदेहास्पद मुस्कान को सोचती मैं खड़ी धुंधलाते गगन के नीचे। कोई चोट ना खाई थी मैंने, फिर भी एक दर्द था मुझे। पर उस छोटी सी शाम में उस बच्चे की छोटी सी मुस्कान ने एक बात समझाई मुझे। मैंने सीखा खुशी का अर्थ। आंखें मेरी गीली थी और थी होठों पे मुस्कान। अनजाने ही उस बच्चे ने किया था मुझ पे एक एहसान। अनजाने ही उस बच्चे ने किया था मुझ पे एक एहसान।